तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के डी रामाराव ने आज इल्जाम आयद किया कि बीजेपी अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए मुख्तलिफ हरबे अख्तियार कर रही है और वो तकरीबी सियासत पर अमल पैरा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने पुरमन तेलंगाना में फिरका वाराना नफरत पैदा करने की साजिश रची ताकि मुल्क को दरपेश हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जाए। चाशुंबे को अपने सिलसिलावार ट्वीट में रामाराव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को अटेंशन डाइवर्जन हुकूमत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम को दरपेश हकीकी मसाइल बशमूल अशिया जरूरी और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के अलावा बेरोजगारी और दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक साजिश तैयार की है। अगर हम तवज्जो हटाने वालों की उन साजिशों को नहीं समझेंगे और उन्हें नाकाम नहीं बनाएंगे तो ऐसी सूरत में मुल्क और मुस्तकबिल की नस्लों को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। KTR ने, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर भी हैं, कहा कि बीजेपी कौम परस्ती की बातों करती है लेकिन उसके असली सियासी नजरियात नफरत को फैलाना है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी ने हर घर जल यानी हर घर को पानी का नारा तो दिया लेकिन उसकी हकीकी कोशिश हर घर जहर और हर दिल में जहर फैलाना है। कारगुजार सदर TRS ने कहा कि बीजेपी रियासती हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है और फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है।